ओके हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल तो बीएआरसी सी मॉडल क्वेश्चन पेपर थर्ड में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की जहां पर हम लोग बी के एडवांस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये हम लोगों का थर्ड नंबर का प्रैक्टिस सेट है जहां पर हम लोग 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे टाइमिंग चेंज रहेगा सैटरडे तक बिकॉज कुछ रीजन है जिस वजह से नाइट टाइम पीएम पर लाइव नहीं आ पाएंगे किसी रीजन की वजह से इसीलिए जो टाइमिंग रहेगा वो हम लोग सात बजे का सामने रखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर है यहां पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्किंग मीडिया यहां पर कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है व्हाइट वॉश प्रशियन ब्लू कॉपर सल्फेट या फिर स्क्राइबर क्या आप लोगों का राइट आंसर गाइस यहां से निकल के आएगा फटाफट बताइए राइट आंसर आप लोगों का क्या निकल के आएगा सबसे पहले क्वेश्चन का सैटरडे तक थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा मेरी मजबूरी के कारण बट कोई इशू की बात नहीं सैटरडे तक ओनली बात है देन उसके बाद में अपना वही जो नाइट पीएम रहता था वही रहेगा तो यहां पर आप लोगों का पहले क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा क्या, क्या बोला गया है यहां पे गाइस आप लोगों से बोला गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे तो क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर डी ऑप्शन एक्जेक्टली यदि हम लोग देखें यहां पर व्हाइट बॉस हम लोगों का मार्किंग मीडिया है प्रशियन ब्लू आप लोगों का मार्किंग मीडिया है कॉपर सल्फेट की बात करें यह भी हम लोगों का मार्किंग मीडिया है यानी कि मार्किंग करते टाइम जो हमारी वर्कपीस की सरफेस है उसके ऊपर हम लोग क्या है? एक सरफेस पर एक परत चढ़ा देते हैं किसकी मार्किंग मीडिया की जिससे कि जब हम लोग स्क्राइबर से लाल लाइन लगाएं तो क्लियरली हम लोगों को लाइन विजिबल हो तो यहां पर व्हाइट वॉश प्रशियन ब्लू एवं कॉपर सल्फेट ये तीनों मार्किंग मीडिया है लेकिन स्क्राइबर की बात करें तो ये हमारा कोई भी मार्किंग मीडिया नहीं है इसीलिए गाइस राइट आंसर यहां पे क्या निकल के आएगा स्क्राइबर इज द राइट right आंसर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ यानी कि जो हमारी सरफेस प्लेट होती है वो किससे बनाई जाती है हार्ड एंड स्टील से ग्रेन

तीनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं यहां पे आप लोगों देखोगे यदि हम लोग ग्रेनाइट की बात करें यहां पर भी रस्ट वगैरह जंग वगैरह नहीं लगती है यदि हम लोग कास्ट आयरन की बात करें उसको ढलाई करना बहुत इजी हो जाता है तो यहां पर सभी के अपने अपने एडवांटेज हैं इसीलिए हम लोगों को एक मटेरियल के अलावा दूसरे मटेरियल की आवश्यकता पड़ी कि हाँ भाई हम इससे भी बना सकते हैं तो यहां पर आप लोगों का राइट right आंसर क्या निकल के आ रहा है डी ऑप्शन आप लोगों का राइट निकल के आ रहा है यानी कि ऑल ऑफ द राइट आंसर बहुत ही बढ़िया भाई सेकंड का डी आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देना है क्या बोल रहा है कीवेज वाले छिद्र चौड़ा करने के लिए निम्न रीमरों में से विशेषता उपयुक्त तो होता है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीमर इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर रीमिंग हॉल्स हैविंग कीवे ग्रुप्स यानी कि किसी हॉल में क्या है कीवे ग्रुप कटा हुआ है और उस कंडीशन में हम लोगों को उसकी क्या करना है भाई रीमिंग करनी है तो आप लोग कौन से का रीमर का प्रयोग करेंगे क्या स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करेंगे हेलिकल रीमर का प्रयोग करेंगे रीमर का प्रयोग करेंगे या पायलट रीमर का प्रयोग करेंगे कौन से रीमर का आप लोग प्रयोग करेंगे फटाफट से बताइए यहां पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीमर इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर रीमिंग हॉल हैविंग की ग्रुप यानी कि किसी हॉल में यहां पर क्या बोल रहा है कि

स्ट्रेट फ्लूटेड कीवेज हमारा कुछ इस टाइप का कटा हुआ है तो जब स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर होगा तो वहां पे जो फ्लूट है वो क्या होगा जो ग्रुव कटा हुआ है उसमें फंस जाएगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का प्रयोग ना करते हुए हम लोग किसका करेंगे हेलिकल फ्लूटेड सॉरी हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करेंगे क्लियर है ना तो थर्ड नंबर का क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन को यहां पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन बोल रहे हैं टूल मेकर्स वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग किसकी बात कर रहा है यहां पे टूल मेकर वाइस की बात कर रहा है अलग अलग टाइप की हम लोगों की वाइस हैं जिसमें से यदि हम लोग टूल मेकर वाइस की बात करें तो टूल मेकर वाइस का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं देखिए ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि होल्डिंग स्मॉल वर्क विच रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग यानी कि छोटे काम को पकड़ना हो जिसमें हम लोगों को क्या करनी है फाइलिंग करनी है या फिर ड्रिलिंग करनी है सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है कि स्मॉल डायामीटर जॉब सच एस पिन नीडल्स ईटीसी यानी कि जो भी हमारे छोटे डायामीटर के वर्क वर्कपीस है चाहे वह स्मॉल डायामीटर के हो स्मॉल डायामीटर के वर्कपीस है चाहे वह पिन हो या फिर नीडल हो उनको होल्ड करने के लिए क्या टूल प्रयोग होंगे या फिर यहां पर बहुत ज्यादा एवं रफर कार्य के लिए यानी कि हेवियर एवं रफ टाइप के जॉब के लिए या ड्रिलिंग के लिए पतली प्लेट किसको होल्ड करेंगे बताइए फटाफट से किसके बारे में बात कर रहा है टूल मेकर बारे में बात कर रहा है तो दो क्वेश्चन जनरली यहां से गाइस आप लोगों से स्पेशली पूछे जाते हैं एक तो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है किसके बारे में टूल मेकर्स वाइज के बारे में डेफिनेटली यहां पर टूल मेकर्स वाइज में हम लोग किसको बांधते हैं स्मॉल वर्कपीस को, वर्क को यानी कि छोटे कार्यखंड को लेकिन जहां पर यदि किसकी बात आ जाती है पिन वाइज किस की किसकी बात आ जाती है पिन वाइज की वहां पर हम लोग किस किस कैसे वर्कपीस को होल्ड करते हैं पिन वाइज में स्मॉल डायमीटर जॉब समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पिन की जब बात करता है तो स्मॉल जॉब द राइट आंसर लेकिन यहाँ पर टूल मेकर्स वाइस की बात कर रहा है तो स्मॉल वर्कपीस यानी कि यहाँ पे उसका आकार कैसा भी हो सकता है अब यहाँ पे जो पिन वाइस है उसमें एक्जैक्टली exactly वो डायामीटर वाला वर्कपीस होना चाहिए सिलेंड्रिकल वर्कपीस होना चाहिए जिसका की डायामीटर हो समझ रहे हो तो यहां पे आप लोगों का राइट आंसर किसको लॉक करें अभी ए ऑप्शन को लॉक करें कि होल्डिंग स्मॉल वर्क विच रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीन ऑफ अ स्ट्रेट पीन हैमर एंगुलर टू द हैंडल स्ट्रेट टू हैंडल या फिर क्रॉस टू हैंडल या फिर बेंड टुवर्ड द हैंडल तो क्या होगा यहां पे राइट right आंसर यदि हम लोग फाइव नंबर की बात करें कि एक सीधा पिन हैमर का पिन कैसा होता है तो हम लोगों को पता है यदि स्ट्रेट पिन हैमर की बात करते हैं तो वो हैंडल के स्ट्रेट में उसका पिन होगा यदि हम लोग क्रॉस पिन हैमर की बात करते हैं वहां पर क्या होगा जो हमारा हैंडल है उसके क्रॉस में हम लोगों का क्या होगा पिन होगा समझ रहे हो क्रॉस में हम लोगों का क्या होगा पीन होगा तो ऑप्शन right की की तो right दे रहे हैं फाइव नंबर का उनका राइट right आंसर होगा अगले क्वेश्चन को समझिएगा यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर आप लोगों को देना है क्या बोला जा रहा है यहां पर द कंपोनेंट ऑफ द सर्फेस टेक्सचर विच द रफनेस इज सुप्रीम सुप्रीमोज इज नाव यानी कि सतह संरचना के घटक जहां रूक्षता यानी कि क्या बोल रहा है रफनेस किसके ऊपर अध्यारोपित होती है क्या होगा सेकेंडरी टेक्सचर होगा क्या सेकेंडरी बनावट होगा रफनेस होगा वेविनेस होगा या फिर डायरेक्शन ऑफ ले होगा क्या होगा राइट आंसर सिक्स नंबर का सरफेस फिनिश से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है किससे रिलेटेड सरफेस फिनिश से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या राइट right आंसर आप लोगों का निकल के आएगा यहां फटा से फटाफट से बताइए क्या होगा भाई राइट आंसर सिक्स नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहां पे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस क्वेश्चन में समझ पा रहे हो कि सतह संरचना का घटक जहां रूक्षता अध्यारोपित होती है अध्यारोपित होती है यानी कि उसके ऊपर डिपेंड होती है आप लोग ये मान सकते हो किसके ऊपर डिपेंड होती है भाई किसके ऊपर सुप्रीमो पोस्ट होती है क्या सेकेंडरी टेक्सचर के ऊपर रफनेस के ऊपर वेबिनेस के ऊपर या डायरेक्शन ऑफ ले के ऊपर किसके ऊपर वेबिनेस के ऊपर किसके ऊपर गई वेबिनेस के ऊपर तो ये आप लोगों के जो सरफेस फिनिश के घटक हैं उनको आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या सेकेंडरी टेक्सचर है रफनेस क्या है वेबिनेस क्या है डायरेक्शन ऑफ ले क्या है इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर जिसको मैंने आप लोगों को बना के दिया है कि भाई क्या रफनेस होता है वेबिनेस होता है डायरेक्शन ऑफ ले क्या होता है तो आप लोग सर्च कर सकते हो सरफेस रफनेस एलिमेंट बाय स्पेशल टेक्नो तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा देन वहां से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने तो वहां पे आप लोग क्लियर कर सकते हो तो राइट right आंसर क्या है वेबिनेस इज द राइट आंसर बहुत ही बढ़िया भाई ए एंड सी नहीं होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर है भाई चेतन अगले क्वेश्चन की यदि बात करें सेवन नंबर का क्वेश्चन है कि उत्पादन रीति द्वारा क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोल रहे हैं प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं उत्पादन रीति द्वारा प्रबल सतह नमूने की दिशा सामान्यता निर्धारित करने को कहा जाता है यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडमिनी सरफेस पैटर्न ऑर्डिनरी डिटरमाइन बाय द प्रोडक्शन मेथड इज नाउ एज यानी क्वेश्चन को समझ पा रहे हो यानी कि कोई भी प्रोडक्शन मेथड हो सकता है हमारा टर्निंग हो सकता है मिलिंग हो सकता है वहां पर क्या होता है जब हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा वर्कपीस की सरफेस पर एक पैटर्न बन जाता है जैसे कि मान के चलो मैंने कुछ इस टाइप का पैटर्न यहां पे बनाया यानी कि जो मिलिंग कटर है वो हमारी कुछ इस डायरेक्शन में घूमी जिसकी वजह से क्या हो गया हमारी सरफेस पर ऐसे गोल गोल निशान बन गए तो इस पैटर्न की किसके बारे में बात कर रहा है डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है किसके बारे में दिशा के बारे में बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है दिशा के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर क्या होगा भाई वो सरफेस होगा वेबिनेस होगा रफनेस होगा या फिर यहां पर डी ऑप्शन दे रहा है ले या फिर यहां पर क्या दे रहा है डी ऑप्शन क्या दे रहा है गाइस ले डायरेक्शन ऑफ ले किसके बारे में बात कर रहा है डायरेक्शन वेबिनेस को नहीं बोलते हैं सेकंड टेक्सचर क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे क्या होगा सेवन नंबर का क्या होगा गाइस यदि हम लोग सेवन नंबर की बात करें सेवन नंबर का राइट right आंसर क्या निकल के आएगा आप लोगों का द डायरेक्शन ऑफ द किसके बारे में बात कर रहा है कि प्रोडक्शन मेथड में वर्कपीस के ऊपर जो निशान बनते हैं उनकी दिशा के बारे में बात करी जा रही है क्लियर है सरफेस की जो बनावट होती है उसको सरफेस टेक्सचर या फिर सेकेंडरी टेक्सचर बोलते हैं वेबिनेस को नहीं बोलते हैं यहां पे कोई कमेंट कर रहा है चेतन आई थिंक कमेंट कर रहा है तो यहां पे क्या होगा राइट आंसर सेवन नंबर की यदि हम लोग बात करें सेवन नंबर की बात करें तो वो क्या है हमारा डायरेक्शन ऑफ ले अब यह अलग अलग टाइप की डायरेक्शन ऑफ ले होती है हमारी जिसके इंडिकेशन के माध्यम से सिम्बॉल के माध्यम से हम लोग बताते हैं तो वो आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है क्लियर है ना चलिए तो यहां पे क्या निकल के आ रहा है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देखो एट नंबर का अगला क्वेश्चन है और यहां पे क्या बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन टू मीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशनल डिफरेंस इज कॉल्ड यानी कि विमीय विभेद के आधार पर दो संगम भाग के बीच वर्तमान संबंध को क्या कहा जाता है आपसी रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है दो मैचिंग पार्ट के बीच की बात कर रहा है क्या उसको हम लोग फिट बोलेंगे लिमिट बोलेंगे टॉलरेंस बोलेंगे या अलाउंसिस बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है यहां पे यदि हम लोग एट नंबर का राइट आंसर की बात करें यहां पे नवीन सी दे रहे हैं एंड काफी लोग अलग अलग आंसर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा भाई यहां पे आठ नंबर का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है एट नंबर का फिट क्योंकि हमारे दो मैचिंग पार्ट यानी कि समझिएगा मान के चलिए दो मैचिंग पार्ट हम लोग बोल देते हैं कि सर हॉल है एवं शाफ्ट है तो वहां पर उन दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो डायमेंशनल डिफरेंस आ रहे हैं जो डायमेंशनल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है टाइटनेस और लूजनेस हो रही है यदि हम लोग दोनों पार्टों को आपस में फिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है टाइटनेस और लूजनेस हो रही है उसी के आधार पर हमारी क्या होती है फिट होती है जो हमारी क्लरेंस फिट ट्रांजिशन फिट इंटरफियरेंस फिट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस यहां पर यदि देखा जाए राइट आंसर right क्या होगा फिट आप लोगों का यहां पे राइट right आंसर exactly. में पड़ा हुआ सदस्यों के बीच की वेल्ड को कहा जाता है यानी कि यहां पर वेल्ड ज्वाइंट के बारे में बात करी जा रही है और क्या बोल रहे हैं अ वेल्डेड ज्वाइंट बिटवीन मेंबर्स लेन द प्लेन इज कॉल्ड यानी कि यहां पर क्या बोल रहे हैं सेम प्लेन किसके बारे में बात कर रहा है सेम प्लेन यानी कि वही समतल में पड़ा हुआ यानी कि दो प्लेटें हैं मान के चलिए दो प्लेटें दोनों एक ही समतल में पड़े हुए हैं एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं देन उनको हम लोगों ने ज्वाइंट किया तो वो कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा बट ज्वाइंट कहलाएगा लेफ्ट ज्वाइंट कहलाएगा ए ज्वाइंट कहलाएगा या कॉर्नर ज्वाइंट कहलाएगा कौन सा ज्वाइंट गाइस यहां पे कहलाएगा बताइए यहां पे क्या होगा भाई राइट आंसर नाइन नंबर का यदि राइट आंसर देखें क्या निकल के आ रहा है प्रकाश यहां पे ए ऑप्शन की ओर जा रहा है रवि कुमार ए की ओर बहुत बढ़िया भी क्या निकल के रहा बट ज्वाइंट इज द राइट आंसर क्योंकि यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग दोनों जो है वह सेम प्लेन में है लेकिन यहां पर लेप ज्वाइंट की बात आती है तो वहां पे क्या करती है प्लेट हमारी एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करती है वहां पे क्या होगा प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करती हैं लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि अवेलडेड ज्वाइंट बिटवीन द सेम प्लेन की बात कर रहा है एक्चुअल में यहां ये यह। तो राइट आंसर क्या होगा बट ज्वाइंट इज द राइट आंसर जो भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन को देखो कि रिविट छिद्र केंद्र से समझिएगा क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन को क्या बोल रहा है रिविट छिद्र केंद्र से प्लेट के निकटतम कोर तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है जैसे कि मान के चलिए हमारी ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है यहां पर और दूसरी प्लेट हमारी कुछ यहां पे इस टाइप से रखी हुई है अब यहां पे क्या है यहां पे हम लोगों ने एक रिविट लगाई इस रिविट के केंद्र से हमारी जो प्लेट है उसके निकटतम निकटतम प्लेट के छोर से केंद्र तक बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है गाइस यदि देखा जाए और इसको क्या बोला जाता है ये होती टू 2D यानी कि हमारे रिविट का जो डायामीटर है उसके दो गुना होती है और यहां पर इसको क्या बोला जाता है मार्जिन बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है गाइस मार्जिन बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिविट के केंद्र से केंद्र तक की बीच की दूरी को क्या बोला जाता है यानी कि एक रिविट से उसके बगल वाली रिविट के केंद्र दोनों के केंद्र की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे इसको बोला जाता है पिच इसको क्या बोला जाता है पिच ये कितनी होती है ये थ्री होती है ये कितनी होती है रिबिट के ब्यास के तीन गुना होती है क्लियर है ना तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है चलिए अभी तो यहां पे मार्जिन इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन को समझिएगा कि निम्न कार्बन इस्पात के सतह पर कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है यानी कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील की सरफेस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं कार्बन प्रतिशत मात्रा को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे क्या वो हमारा कार्बोराइजिंग होगा हार्डनिंग होगा नॉर्मलाइजिंग होगा या नाइट्राइडिंग होगा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा गाइस यहां पे? नंबर का क्या राइट आंसर होगा इलेवन नंबर का गौतम सिंह ए ऑप्शन दे रहे हैं अमित मंडल का ए ऑप्शन निकल के आ रहा है नवीन कुमार ए ऑप्शन दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है यहां पे कार्बोराइजिंग तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं स्टील की जो लो कार्बन स्टील है उसकी सरफेस जो होती है उस पर कार्बन प्रतिशत मात्रा को इंक्रीज करते हैं राइट right? क्या करते हैं कार्बन प्रतिशत मात्रा को इंक्रीज करते हैं क्या उसके कोर में कार्बन प्रतिशत मात्रा इंक्रीज होती है नहीं भाई उसका जो कोर होता है वो सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन में रहता है लेकिन ऊपर की सतह पर कार्बन प्रतिशत मात्रा इंक्रीज कर देते हैं क्यों ताकि हम उसकी सरफेस हार्डनिंग कर सकें यानी कि उसकी जो ऊपर की चमड़ी है ऊपर की जो सरफेस है उसको हम लोग हार्ड कर सके क्लियर है चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस्पात में में वृद्धि और भंगुरता कम करने वाले ऊष्मा उपचार प्रक्रम को कहा जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन स्टील टू टफनेस यहां पे एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है यहां पे देखोगे ऑप्शन में सदृढ़ता यानी कि यहां पे सदृढ़ता यानी कि ब्रटलनेस की बात चल रही है ब्रटलनेस को रिड्यूस करना एवं यहां पे टफनेस को बढ़ाना एक्चुअल में यहां पे किसकी बात कर रहा है ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे देखो हिंदी में क्लियर बोला है कि इस बात में सदृढ़ता में वृद्धि यानी कि हार्डनिंग में वृद्धि और भंगुरता में कमी यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है ब्रिटलनेस को एक्चुअल में रिड्यूस करने की बात कर रहा है और टफनेस को इंक्रीज करने की बात कर रहा है टफनेस को क्या कर रहा है टफनेस को इंक्रीज कर रहा है ब्रिटलनेस को रिड्यूस कर रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा जो टफनेस को इंक्रीज करे ब्रेटलनेस को रिड्यूस करे देखो एक चीज समझ लीजिएगा यहां पे आप लोगों को क्या पता है आप लोगों को ये पता है चाहे हम लोग किसकी बात करें ब्रिटलनेस की बात करें और किसकी बात करें टफनेस की बात करें दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है यानी कि चाहे हम लोग ब्रिटलनेस को रिड्यूस करें तो अपने आप ऑलरेडी टफनेस इंक्रीज हो रही है या टफनेस को इंक्रीज करेंगे वहां पे ब्रिटलनेस ऑलरेडी क्या होगी रिड्यूस होगी समझ रहे हो क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है वो किसके माध्यम से होता है किसके माध्यम से होता है टेम्परिंग प्रोसेस के माध्यम से कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसेस है टेम्परिंग टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई स को रिड्यूस करते हैं टफनेस को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन द पावर इज डिफाइंड एज यानी कि ऊर्जा की, की परिभाषा क्या है फोर्स पर यूनिट यानी कि यूनिट समय प्रतिबल या फिर वर्क डन पर यूनिट यानी कि पर यूनिट में किया गया कार्य जो है वो हमारा क्या कहलाता है ऊर्जा कहलाती है या फिर यहां पे क्या कहला है कि चलित दूरी यानी कि फोर्स बटा डिस्टेंस होगा या फिर एनर्जी अपॉन डिस्टेंस मूवड यानी कि कितनी दूरी चली गई क्या होगा राइट right आंसर यहां से यदि देखा जाए द पावर इज डिफाइंड एज पावर को हम लोग कैसे डिफाइंड करते हैं पावर की परिभाषा क्या होती है भाई क्या निकल के आ रहा है यहां पे वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही तो हमारा क्या कहलाता है ऊर्जा कहलाता है समझ में आ रहा है क्या होगा राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्या होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम इज द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन को समझिएगा यहां पे 14 नंबर का अगला क्वेश्चन है और यहां पे गाइस क्या बोल रहा है 14 नंबर में यहां पे बोल रहा है कि यदि एक टेपर का वृहद व्यास और लघु व्यास दिए गए हैं जिसको हमने कैपिटल डी एवं स्मॉल डी से इंडिकेट किया गया है और वहां पर हमने टेपर लंबाई को स्मॉल एल से इंडिकेट किया है यहां पर आप लोगों से टेपर कॉनिशिटी की बात कर रहा है कि टेपर अनुपात क्या है टेपर रेशो क्या है तो टेपर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बड़ा डया बड़ा डायामीटर माइनस छोटा डायामीटर अपॉन टेपर लेंथ। तो ये हम लोगों का क्या हो गया यहां पे? ये यह हमारा टेपर अनुपात टेपर रेसो होता है तो यहां पे हम लोग मेच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मेच कर रहा है भाई बी ऑप्शन आप लोगों का मेच कर रहा है तो फोर्टीन नंबर का क्या होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो हम लोग बी ऑप्शन लगा देते हैं अगले क्वेश्चन को देखो समझिएगा यहां पर अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यदि हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें तो यहां पर गाइस आप लोगों से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि एक भाग का आयतन यानी कि कोई पार्ट है कोई पार्ट है उसका आयतन हमारा कितना है अस्सी सीसी है और पदार्थ का जो घनत्व तो है वो कितना है एट ग्राम पर घन सेंटीमीटर है उसका द्रव्यमान निकालना है आप लोगों को क्या निकालना है उसका मास निकालना है तो बताइए भाई क्या निकलेगा उसका मास क्या निकलेगा फटाफट से बताइए क्या निकलेगा उसका मास क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर फिफ्टीन नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से फिफ्टीन का क्या निकल के आ रहा है टेन ग्राम सिक्स ग्राम या फिर 64 ग्राम या फिर 88 ग्राम क्या निकल के आ रहा है यहां से बहुत बढ़िया भाई पंद्रह का क्या निकल आ रहा है बी ऑप्शन निकल के आ रहा है क्या निकल आ रहा है बी ऑप्शन आप लोगों का निकल आ रहा है क्या निकल आ रहा है बी ऑप्शन निकल के आ रहा है बिकॉज मास इक्वल टू आप लोगों का क्या होगा वॉल्यूम बाय आप लोगों का क्या डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई वाई डेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा देखो आप लोग यूनिट से देखा करो इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पे क्या है हमारा 80 सीसी है मल्टीप्लाई वाई हम यदिटी को देखें तो ये हमारा 8 ग्राम पर है तो यहां पर देखो थोड़ा सा यूनिट को ध्यान देंगे तो सीसी से सीसी कट जाएगा हमारा क्या बचा ग्राम बचा तो भैया आठ आठ चौसठ हो जाएगा यह हमारा कितना होगा छह ग्राम इज द राइट आंसर तो हमेशा थोड़ा सा यूनिट की ओर भी फोकस किया करो कभी कभी यूनिट हमारे चेंजेस है तो इस टाइप में यूनिट को हम लोगों को सेम करना है तो उस टाइप से थोड़ा सा देखा करो है ना चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट समझिएगा अगले क्वेश्चन को यहां पे क्या होगा 640 ग्राम इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है आपेक्षिक घनत्व के बारे में किसके बारे में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशो ऑफ तो आपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है मास एंड वॉल्यूम का मास एंड एरिया का या फिर यहां पे बोल रहा है कि पदार्थ का घनत्व अनुपात पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर यहां पे बोल रहा है कि पदार्थ का द्रव्यमान या फिर एंड पानी का घनत्व क्या होगा राइट आंसर गाइस क्या होगा हो राइट आंसर बताइए यहां पे क्या होगा सिक्सटीन नंबर का राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा सिक्सटीन नंबर का राइट आंसर क्या होगा किसके बारे में बात कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है गाइस यदि हम लोग बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट क्या होती है इसकी इकाई क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से कि इसकी इकाई क्या होती है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो आप लोग यहां पे क्या देख पा रहे हो सर ये दोनों के घनत्व का अनुपात है यानी कि पदार्थ का घनत्व एंड वाटर का घनत्व तो यहां पे क्या होगा हमारी यूनिट कैंसिल हो जाती है दोनों इसलिए इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है इसलिए क्या है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट हमारी नहीं होती है बहुत बढ़िया भाई मिथुन मलिक एक्सैक्टली नो यूनिट तो यहां पे क्या राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अ प्रोसेस यूज्ड फॉर फिनिशिंग लॉन्ग सिलेंडर सिलेंड्रिकल जॉब यानी कि लंबे और तनु बेलनाकार कार्य समाप्ति हेतु उपयोग प्रक्रम क्या है स्क्रैपिंग है रीमिंग है सेंटरलेस ग्राइंडिंग है या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है क्या ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का कोई लंबा वर्कपीस है और सिलिंड्रिकल वर्कपीस है यानी कि गोल और लंबा वर्कपीस है उसकी फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे क्या स्क्रैपिंग के माध्यम से हम उसकी फिनिशिंग करेंगे गाइस या फिर हम लोग रिमिंग के माध्यम से फिनिशिंग करेंगे या सेंटरलेस ग्राइंडिंग से या फिर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग से क्या होगा राइट आंसर फटाफट से बताइए भाई क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के के रीमिंग 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 माध्यम से कैसे भी रीमिंग कैसे भैया सिंह कर दोगे आप रीमिंग तो हम लोग हॉल में करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है यहां पे तो वो किसकी भाई जॉब की बात कर रहा है कोई सिलेंड्रिकल जॉब है या फिर सिलेंडर है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का तो यहां पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है देखो क्या बोल रहा है रेस्प रेस्प फाइल फाइल इज़ यूज्ड फॉर कि जो कट कट होती है अकॉर्डिंग यदि प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं ऑप्शन दे रहा रैपिड रिमूव ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी लार्जर क्वांटिटी में हम लोगों को मटेरियल को रिमूव करना हो तो वो हम लोग क्या रेस्प कट फाइल से करेंगे या फाइलिंग वुड यानी कि लकड़ी की फाइलिंग के लिए हम लोग रेस्प कट का प्रयोग करेंगे या फिर यहां पे बोल रहा है कि मशीनी सतह से उच्च स्पॉट हाई स्पॉट को हटाने के लिए या वास्तविक आकार देने और उच्च समाप्ति के लिए क्या होगा भाई राइट आंसर क्या होगा बहुत ही बढ़िया भाई बी ऑप्शन निकल के आ रहा फाइलिंग बुड अदर क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा फाइल से रिलेटेड तो सबसे पहला यहां पे मुझे यह बताइए कि जो रेस्प कट फाइल होती है वह किस प्रकार के शेप में अवेलेबल होती है क्या वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होती है हाफ राउंड शेप में अवेलेबल होती है किस टाइप के शेप में हमारी रेस्प कट फाइल मिलती है बताइए भाई क्या सेप होता है हमारी रेस्प कट फाइल का यदि यहां से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है क्या कोई स्टूडेंट्स बताएगा कि रेस्प कट फाइल किस आकार में अवेलेबल होती है क्योंकि ओनली ये एक ही आकार में अवेलेबल होती है बताइए भाई क्या निकल रहा है कुछ लोग अमित कुमार ट्रेंगल बोल रहे हैं ट्रेंगल कैसे होगा भाई हाफ राउंड इज द राइट आंसर कौन से में मिलती है ओनली हाफ राउंड शेप में अवेलेबल होती है क्या कोई स्टूडेंट्स बताएगा कर्ड कट फाइल कौन से सेप में अवेलेबल होती है क्योंकि जो कर्ड कट फाइल है वो भी ओनली एक ही सेप में अवेलेबल होती है तो यहां से दो क्वेश्चन आता है एक तो आप लोगों का पूछा जाता है रेस्प फाइल के आकार के बारे में दूसरा पूछा जाता है कर्ड कट फाइल के आकार के बारे में जो वक्र कट वाली फाइल है वो किस में अवेलेबल होती है बताइए भाई ट्रेंगुलर टीथ अमित चक्रवर्ती एक्जेक्टली exactly. इसके ऊपर जो टीथ कटे होते हैं वह इंडिविजुअल ट्रेंगुलर टीथ कटे हुए थे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं इंडिविजुअल यानी कि जिसका एक टीथ से दूसरे टीथ में कोई भी संबंध नहीं होता है क्लियर है ना बहुत बढ़िया भाई क्या फ्लैट एक्टली यदि कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं थोड़ा सा समय लग रहा है बट कोई की बात नहीं क्लियर करते चल रहे जैसे कि पहला ऑप्शन है पहले ऑप्शन में बोल रहा रैपिड रिमूवेबल ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड किस ग्रेड की फाइल के लिए लागू होता है पहला ऑप्शन बोल रहा है रैपिड रिमूवेबल ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड किस ग्रेड की फाइल के लिए लागू होता है रफ बास्टर्ड सेकंड कट स्मूथ या डेड स्मूथ क्या होगा राइट right आंसर आप लोगों की तरफ से बहुत बढ़िया भाई अमित मंडल एग्जैक्टली रफ फाइल के लिए लागू होता है रफ फाइल क्या करता है रैपिड रिमूवेबल ऑफ ऑफ लार्ज क्वांटिटी मटेरियल यानी कि बहुत जल्दी हम लोगों को बहुत ज्यादा पदार्थ हटाना हो तो रफ ग्रेड की फाइल का प्रयोग करते हैं सी ऑप्शन दे रहा है रिमूविंग हाई स्पॉट फ्रॉम मशीन सरफेस ये किस कटिंग टूल के लिए लागू होता है सी ऑप्शन किस कटिंग टूल के लिए लागू होता है क्या कोई स्टूडेंट्स बताएगा क्या बोल रहा है रिमूविंग हाई स्पॉट फ्रॉम मशीन सरफेस मशीन सरफेस की हुई है यानी कि मशीन से सरफेस को फिनिश किया है लेकिन वहां से हाई स्पॉट को रिमूव करना है वो हमारी किस कटिंग टूल के लिए लागू हो रहा है ये बताइए भाई क्या निकल के आ रहा है आप लोगों का राइट right आंसर यहां से बहुत बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है आप लोगों का स्क्रैपर क्या निकल के आ रहा है स्क्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं हाई स्पॉट को रिमूव करते हैं एंड यहां पे डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है एक्यूरेट वास्तविक आकार देने और उच्च समाप्ति के लिए एक्यूरेट साइजिंग एंड हाई डिग्री फिनिशिंग ये किस ग्रेड की फाइल के लिए लागू हो रहा है डेड स्मूथ फाइल के लिए किसके लिए डेड स्मूथ फाइल के लिए चलिए भाई ऑल क्लियर सारा कुछ क्लियर है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां पर बोला है, लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल हैज अ टेपर 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 ब्राउन एंड शार्प जर्नो या नॉन ऑफ दिस क्या होगा राइट आंसर बहुत ही बढ़िया भाई चेतन एग्जेक्टली सारे ऑप्शन को आपने एक्सप्लेन कर दिया बहुत बढ़िया यहां पे क्या निकल रहा है खराब हेड स्टॉक स्पिंडल में टेपर होता है ब्राउन एंड शार्प टेपर जर्नो टेपर मोर स्टेपर तो क्या होता है भाई मोर स्टेपर इज द राइट आंसर मोर स्टेपर इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ द लेथ बेड इज मेड बाय स्लाइडिंग सर्फेस यानी कि लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह जो होती है उसको क्या करके बनाते हैं निंग करके मिलिंग करके फाइलिंग करके या स्क्रैप्स यानी कि स्क्रैपिंग करके एक्चुअल में ये क्या है स्क्रैपिंग करके बताइए भाई क्या करके बनाते हैं क्योंकि हमारा जो लेथ बेड है उसमें हाई स्पॉट नहीं होना चाहिए उसकी सतह प्रॉपर प्लान होना चाहिए क्योंकि उसी के ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड है कैरेज मूव कर रहा है हमारी स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर तो उसमें हाई स्पॉट नहीं होना चाहिए और हाई स्पॉट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई स्क्रैपिंग करते हैं इसीलिए यहां पर क्या हम आंसर पिंग दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की बात करें कि वह जिग जिसमें बेस नहीं होता है द जिग इन विच No यानी कि जिस जिग में आधार नहीं होता है बेस नहीं होता है वो कौन से टाइप की जिग है क्या पोस्ट जिग है प्लेट जिग है ड्रिलिंग जिग है या फिर चैनल जिग है बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग निकल के आएगा यहां पे किस से रिलेटेड पूछा गया है यहां पे जिग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से टाइप की हमारी जिग है जिसमें क्या नहीं होता है भाई बेस नहीं होता है आधार नहीं होता है तो बताइए फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर बहुत बढ़िया भाई क्या प्लेट जिग एंड चैनल जिग बिकॉज दोनों क्यों दे रहे हो भाई आंसर क्योंकि दोनों एक ही नेम है यदि हम लोग देखें तो प्लेट जिग या फिर चैनल जिग बहुत बढ़िया भाई जिन्होंने दोनों आंसर दिया है exactly एग्जैक्टली सही है कोई इशू की बात नहीं है इस प्रकार की जिग में क्या होता है हमारा आधार नहीं होता है यानी कि क्या नहीं होता बेस नहीं होता है भाई क्या नहीं होता है बेस नहीं होता है तो इसमें कैसे हम लोग काम करते हैं जैसे यदि हम इसको थोड़ा सा देखें तो यहां पर क्या होता है कोई हमारा मान के चलिए इस टाइप का सॉलिड वर्कपीस है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कुछ इस टाइप की हमारी प्लेट एंड चैनल जिग होती है रखेंगे यहां पर हमारे अलग अलग बुस लगे हुए हैं तो ये क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली हमारे कटिंग टूल को लोकेशन दे देगा कि भाई यहां हॉल करना है यहां हॉल करना है यहां हॉल करना है यहां हॉल करना है समझ में आ रहा है पोस्ट जिग का यूज कोई बता पाएगा कि भैया पोस्ट जिग का यूज कहां पर करते हैं पोस्ट जिग का यूज कहां करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट जिग का यूज किसी बोर को लोकेशन प्रदान करने के लिए किसी बोर को स्थिति प्रदान करने के लिए हम लोग पोस्ट जग का प्रयोग करते हैं ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं ड्रिलिंग जिग तो हमारा कॉमन ये सभी ड्रिलिंग जिग के टाइप ही हैं। तो यहां पे क्या होगा पोस्ट जिग के बारे में भी पूछा जाता है क्या पूछा जाता है इसका प्रयोग कहां बोर की स्थिति निर्धारण के लिए यानी कि बोर की लोकेशन देना हो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग जनरली करते हैं एक और जिक बार बार क्वेश्चन आता है सैंडविच जिक के बारे में तो सैंडविच जिक का प्रयोग कैसे वर्कपीस के लिए करते हैं थीन प्लेट के लिए यानी कि जो पतली वर्कपीस है उनके लिए करते हैं ताकि वो हमारे कटिंग टूल प्रेशर से मुड़े ना समझ में आ रहा है ना चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं तो यहां पर यह क्लियर हो गया आप लोगों का क्या होगा प्लेट जिग एवं चैनल जिग इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया लोकेटिंग बोर अमित मंडल एक्जेक्टली अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है साधारण जिगवा फिक्सर किस मटेरियल के बने होते हैं अब यहां पे बात आ गई भैया मटेरियल की कि कौन सा मटेरियल है जिससे हम लोग जिग बनाते हैं कास्ट आयरन से गन मेटल से माइल्ड स्टील से या नॉन ऑफ दिस क्या होगा राइट आंसर यहां पे यहां पे गाइस राइट आंसर क्या निकल के आएगा किस मटेरियल से हम लोग बनाते हैं बताइए तो आप लोगों को पता है जिग एंड फिक्सर हम लोग किस मटीरियल से बनाते हैं बहुत बढ़िया किससे माइल्ड स्टील से किससे बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं लेकिन यहां पर जो बुश लगे होते हैं क्या है जिग में हमारे क्या लगे होते हैं बुस लगे होते हैं जो किसका काम करते हैं कटिंग टूल को गाइड करते हैं क्या करते हैं कि भैया यहां से इस रास्ते से होकर जाना है इधर उधर मत चले जाना समझ रहे हो ना तो वो जो बुश होते हैं वो किसके बने होते हैं वो हार्ड एंड स्टील के बने होते हैं वो किसके बने होते हैं हार्ड एंड स्टील के बने होते हैं समझ रहे हो ना तो यहां पे क्या होगा माइल्ड स्टील इज द राइट आंसर भाई कास्ट आयरन कौन दे रहा है यहां पे सी इज द राइट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर किसका बना होता है माइल्ड स्टील का जनरली बना होते हैं क्लियर है बाकी इसमें जो बुस लगे होते हैं जो बुस लगे होते हैं वो किससे बने होते हैं हार्ड एंड स्टील से वो हार्ड एंड स्टील से बने होते हैं है. क्लियर है ना चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन के यदि हम लोग देखें देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं द पावर ऑफ द मशीन इज टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस यानी कि मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहा जाता है मशीन चेंज पावर ट्रांसफर स्विचिंग पावर या नॉन ऑफ क्या होगा भाई यहां से

मीटर गियर का वर्म गियर का या रैक एंड पिनियन का किसका प्रयोग करते हैं हम लोग स्लाइडिंग मशीन में क्या होगा राइट आंसर गाइस इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा कि स्लाइडिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग किया जाता है बताइए किसका प्रयोग किया जाता है स्लाइडिंग मशीन में बहुत बढ़िया भाई क्या आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है यहां से डी ऑप्शन यानी कि रैक एंड पिनियन का किसका प्रयोग किया जाता है रैक एंड पिनियन का रैक एंड पिनियन किस कैसे काम करता है यदि हम लोग रैक एंड पिनियन को देखें वो हमारे रोटरी मोशन को स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट करता है कैसे करता है रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है स्लाइडिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग कहां पर करते हैं स्लाइडिंग मशीन में जनरली करते हैं तो क्या होगा भाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को समझिएगा यहां पे देखो अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है इज द हेवीएस्ट मेटल एल्यूमिनियम कॉपर टंगस्टन या ओस्मियम क्या होगा राइट right आंसर यदि हम लोग ओस्मियम की बात करें किसकी बात करें ओस्मियम की बात करें तो वो सबसे हेवीएस्ट मेटल है क्या है सबसे हैवीएस्ट मेटल है तो यहां पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो कॉपर व जिंक का अलॉय क्या है कॉपर एंड जिंक से कौन सा बने क्या अलॉय है भाई ब्रास है ब्रॉन्ज है एल्यूमिनियम है या फिर नॉन ऑफ दिस है तो ब्रास की बात करें ब्रास हमारा किसका अलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का ब्रॉन्ज क्या होता है कॉपर एंड टिन का दोनों क्वेश्चन बार बार आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं तो ब्रास इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन सबसे शुद्ध लोहा क्या है द मोस्ट प्योर आयरन की बात कर रहा है गन मेटल रॉट आयरन कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील कौन सा हमारा प्योर आयरन है जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा बहुत कम या के बराबर या फिर अन्य अशुद्धि बहुत ज्यादा कम होती है यानी कि प्योर आयरन है तो वो क्या होता है रॉट आयरन हमारा क्या है लगभग प्योर आयरन होता है रॉट आयरन क्या है लगभग हमारा प्योर आयरन होता है तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो पीने का पानी घरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है द वाटर जो वाटर होता है पीने वाला उसको हम लोग घरों तक किस पाइप से होकर गुजारते हैं किस पाइप से लेकर जाते हैं गेलबिनाइज आयरन पाइप लेड पाइप कॉपर पाइप या कास्ट आयरन पाइप बताइए क्या होगा राइट right आंसर यहां पे 28 नंबर का तो गेल्बेनाइज आयरन पाइप जो होता है उससे होकर जो है हमारा घरों तक पानी जो है पहुंचता है अगले क्वेश्चन की बात करें पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण क्या है द टॉप एंगल ऑफ द पाइप थ्रेड इज बताइए भाई क्या एंगल होता है बीएसपी थ्रेड का ब्रिटिश एसोसिएशन पाइप थ्रेड का बहुत बढ़िया सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहे हो आप बहुत बढ़िया क्या होगा भाई यहाँ पे क्या होगा, होगा? ट्वेंटी की बात कर रहा है इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है तो कितना रहता है फिफ्टी फाइव डिग्री चाहे वह ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर थ्रेड की बात करें ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड की बात करें या ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड की बात करें तीनों के लिए हम किसका प्रयोग कर क्या होता है हमारा एंगल 55 डिग्री होता है अगला है अगला क्वेश्चन आयरन पाइप की मोटाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे जीआई पाइप की थिकनेस को निकालना है तो आप लोग थिकनेस को कैसे निकालेंगे ना केवल जीआई पाइप अदर पाइप की थिकनेस को भी हम लोगों को निकालना हो तो कैसे हम लोग थिकनेस को निकालेंगे बड़ा डायामीटर छोटा डायामीटर अपॉन टू इससे क्या निकल जाएगी भैया थिकनेस निकल जाएगी समझ में आ रहा है कैसे निकल जाएगी थिकनेस समझ में आ रहा है गाइस कैसे थिकनेस निकल जाएगी पाइप की क्योंकि हमारा ये एक राउंड है उसके बाद में ये हमारा एक राउंड है तो यहां पे जो बीच वाला सेक्शनल एरिया वो हमारी दीवार है इस दीवार की मोटाई को निकालना है तो ये हमारा क्या हो गया छोटा डाया हो गया स्मॉल डी हो गया और ये हमारा क्या हो गया बड़ा डाया हो गया यदि हम इस बड़े डाये में से छोटे डाया को माइनस करेंगे तो हमारी दोनों दीवार हो गई ना यानी कि इधर एक दीवार हो गई इधर एक दीवार हो गई तो यहां पर इसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल गई मोटाई मिल गई ना तो क्या निकल के आएगा भैया बी ऑप्शन आप लोगों का निकल के आएगा क्या निकल के आएगा बी ऑप्शन निकल के आएगा कि डी माइनस डी यानी कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी यानी कि आउटर डाया माइनस इनर डाया मर, उसको डिवाइड कर देंगे दो से तो हमारा निकल आएगा अगला क्वेश्चन है कि पानी के बहाव को कंट्रोल करने में प्रयोग होता है क्या यूज इन कंट्रोलिंग रेगुलेटर वॉल्व या फिर क्या क्या होगा भाई बोल रहा पानी के बहाव को कंट्रोल करने में प्रयोग होता है किसका प्रयोग करते हैं हम लोग पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए किसके बारे में बात कर रहा है पानी के बहाव को कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहा है बताइए क्या होगा थर्टी वन का क्या होगा थर्टी वन का गाइस क्या होगा बहुत बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है ग्लोब बॉल्ब किसका प्रयोग करते हैं हम लोग ग्लोब बॉल्ब का प्रयोग करते हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन को देखें जीआई पाइप स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं दो मीटर चार मीटर छह मीटर या दस मीटर किस लंबाई में पाए जाते हैं बताइए भाई किस लंबाई में पाए जाते हैं यदि हम लोग गैलविनाइज आयरन पाइप की बात करें तो वहां पे वो किस लंबाई किस स्टैंडर्ड लंबाई में जनरली मिलते हैं हम लोगों को क्या दो मीटर के पाइप मिलते हैं चार मीटर के छह मीटर के या दस मीटर के क्या होगा थर्टी टू नंबर का राइट आंसर बताइए फटाफट से बताइए थर्टी टू का राइट आंसर गाइस क्या निकल के आएगा थर्टी टू नंबर का राइट आंसर क्या निकल के आएगा बहुत बढ़िया भाई क्या सी ऑप्शन यानी कि सिक्स मीटर लेंथ में जनरली अवेलेबल होते हैं अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कॉपर पाइप हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का फर्म निम्न व्यास तक के पाइप को मोड़ सकता है यानी कि इसमें एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन जो होती है हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन से हम लोग किस डायामीटर के पाइप तक को बेंड कर सकते हैं मोड़ सकते हैं 40 मिलीमीटर mm, 20 मिलीमीटर mm, 100 मिलीमीटर mm या 75 मिलीमीटर mm? बताइए क्या होगा राइट आंसर कॉपर पाइप हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का फर्म निम्न व्यास तक के पाइप को मोड़ सकता है कितने व्यास तक के पाइप को मोड़ सकता है 40 मिलीमीटर mm, 20 मिलीमीटर mm, 100 मिलीमीटर mm या 75 मिलीमीटर mm? सेवेंटी फाइव मिलीमीटर गाइस क्या सेवनटी फाइव मिलीमीटर तक के व्यास को वो क्या कर सकता है बेंड कर सकता है मोड़ सकता है अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है द सिलेक्शन ऑफ द फर्म डिपेंड्स यानी कि फर्म का चयन निर्भर करता है क्या होगा भाई क्या राइट आंसर यहां से निकल के आएगा एक मिनट होल्ड करिएगा बहुत बढ़िया थर्टी फोर का क्या निकल के आ रहा है आप लोगों का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी एग्जैक्टली exactly, यानी कि पाइप के बाहरी व्यास से पाइप की दीवार की मोटाई पर पाइप के बोर व्यास पर तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला ग्रेन साइज मापा जाता है किसके बारे में बात करें ग्रेन साइज आज आर मेजर्ड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से पर स्क्वायर सेंटीमीटर बोथ ए एंड वी या नॉन ऑफ द क्या होगा राइट आंसर क्या राइट आंसर यहां से निकल 35 के आएगा थर्टी फाइव नंबर की यदि बात करें ग्रेन साइज ग्रेन साइज आर मेजर्ड ग्रेन साइज आर मेजर्डी फाइव का राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा यहां पे सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी या फिर ए ऑप्शन यानी कि पर स्क्वायर इंच क्या होना चाहिए पर स्क्वायर इंच के हिसाब से जनरली हम लोग मापते हैं क्या पर स्क्वायर इंच होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि भाई पर स्क्वायर इंच में कितना हमारा ग्रैन साइज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं उसी से हमारा जो व्हील होता है वह अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं ए होना चाहिए बी होना चाहिए या सी होना चाहिए कुछ स्टूडेंट सी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि देखो पर स्क्वायर सेंटीमीटर में भी हम लोग देख सकते हैं दो ऑप्शन अब देखो यहां पे कंडीशन डिपेंड कर रही है तो हम लोगों को दोनों तरफ ही जाना पड़ेगा जनरली हमारा क्या था पर स्क्वायर इंच में देखते हैं लेकिन यहां पे दूसरा ऑप्शन भी दे दिया हमको उससे क्या मतलब है कि भाई वो हम लोगों को ये देखना है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने ग्रेन साइज आ रहे हैं उससे हम लोगों को पता चल जाएगा ना तो दोनों की तरफ ही जाना पड़ेगा यहां पे एग्जैक्टली exactly, क्या बोथ ए एंड बी किसकी तरफ सी ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा बताइए भाई सी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा या ए ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा मैसेज करके डिलीट कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ए ऑप्शन या सी ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन या सी ऑप्शन क्या होना चाहिए गाइस बहुत बढ़िया हरिओम शर्मा सी दे रहे हैं देखो यहां पे क्या है ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया है कि आप लोग जस्ट ए ऑप्शन की तरफ जाए आई थिंक मेरे हिसाब से सी ऑप्शन की तरफ जाना ज्यादा बेटर होगा अमित कुमार एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है ना हम चाहे पर वर्ग इंच देखें या प्रति वर्ग सेंटीमीटर देखें उससे मतलब नहीं रहेगा तो सी ऑप्शन की तरफ जाना ज्यादा बेटर है बाकी सी ऑप्शन होगा बाकी अपन इसको इंक्लूड कर लेंगे कल की क्लासेस में और देख लेंगे इसको तो क्या अभी फिलहाल हम लोग सी ऑप्शन की तरफ जाके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कौन सी विधि सुपर फिनिशिंग विधि है विच मेथड इज सुपर फिनिशिंग कोल्ड वर्किंग मेथड बर्निशिंग है लैपिंग है हॉनिंग है या फ्रोस्टिंग है क्या होगा राइट right आंसर अभी अपन सबमिट करेंगे तो आंसर आएगा टेंशन नहीं क्या निकल के आ रहा है यहां से ओनली ए बुक में है अभी अपन टेस्ट को सबमिट करेंगे तो आंसर की मिल जाएगी कोई इश्यू की बात नहीं देख लेते हैं यहां पे क्या निकल के आएगा कौन सी विधि सुपर फिनिशिंग विधि है विच मेथड इज सुपर फिनिशिंग कोल्ड वर्किंग मेथड बर्निशिंग लैपिंग हॉनिंग या फ्रोस्टिंग क्या होगा राइट आंसर यहां पे 36 का सुपर फिनिशिंग की बात कर रहा है सुपर फिनिशिंग की लैपिंग सुपर फिनिशिंग बर्निशिंग आता है हमारा बर्निशिंग आता है सुपर फिनिशिंग में बर्निशिंग आता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर लेपिंग नहीं होगा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला सबसे सबसे अधिक अधिक कठोर कठोर एब्रेसिव एब्रेसिव कौन सा है है यहां पे सबसे अधिक की बात कर रहा द मोस्ट हार्ड इज एब्रेसिव कौन सा होता है सिल्कन कार्बाइड होता है डायमंड होता है एल्यूमिनियम होता है या नॉन ऑफ दिस होता है क्या होगा राइट आंसर यहां से यहां से क्या राइट right आंसर निकल के आएगा कि सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव की बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव तो हम लोगों को क्या पता है डायमंड जो होता है वो सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव होता है तो बी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा अगला क्वेश्चन सिंगल कट रेती का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं यूज ऑफ सिंगल कट फाइल सिंगल कट फाइल का प्रयोग सॉफ्ट मेटल के लिए हार्ड मेटल के लिए मीडियम मेटल के लिए या फिर ऑल ऑफ दिस क्या होगा राइट right आंसर यहां पे क्या राइट आंसर निकलेगा 38 नंबर का 38 का बताइए भाई क्या राइट आंसर निकलेगा 38 का क्या राइट आंसर निकलेगा सॉफ्ट मेटल हार्ड मेटल या मीडियम मेटल या फिर ऑल ऑफ दिस क्या निकल के आ रहा है यहां से क्या निकल के आ रहा है यहां से बहुत बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है सॉफ्ट मेटल एग्जैक्टली तो यहां पे थोड़ा समझिएगा जो सिंगल कट फाइल होती है उससे हम लोग कौन से सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करते हैं क्या रीजन है सर सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग फाइलिंग करते हैं देखो इसमें क्या होता है जैसे कि मान के चलिए ये हमारी फाइल की विट्थ है तो इस विट में इस प्रकार से सिक्सटी डिग्री के एंगल में टीथ कटे हुए हैं और जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइल की चौड़ाई के बराबर छीलन निकलती है समझ रहे हो फाइल के चौड़ाई के बराबर छीलन निकलती है तो इससे क्या मतलब है सर तो इससे मतलब यह है कि हमारा जो एरिया है कटिंग एरिया वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है यानी कि पूरा का पूरा एक बार में ज्यादा बाइट लेता है तो यदि यहां से हम हार्ड मटेरियल की फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा मैन पावर ज्यादा लगेगी टीथ खराब हो जाएंगे तो इस रीजन से जो सिंगल कट फाइल है वो हमारा सॉफ्ट मेटल के लिए ही हम जनरली यूज करते हैं तो क्या होगा भाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो थर्टी नाइन का फॉर फाइनल फाइलिंग ऑफ रिफाइंड सर्फिस यानी कि परिष्कृत सतह की, की अंतिम फाइलिंग हेतु सर्कुलर फाइल का प्रयोग करते हैं बेरी स्मूथ फाइल का सेकेंड कट फाइल का या बास्टर्ड फाइल का बताइए भाई क्या होगा परिष्करण सतह की अंतिम फाइलिंग हेतु अंतिम फाइलिंग हेतु बात कर रहा है क्या होगा यूपीआई ईटे स्ट्रेक्टर से पीटी हट गया अभी तो ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है मेरे पास में संदीप प्रजापति जिसको मैं आपको क्लियर कर सकूं क्या निकल कह रहा है यहां पे थर्टी नाइन नंबर का थर्टी नाइन का क्या निकल कह रहा है बेरी स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल क्या डेड स्मूथ फाइल या बेरी स्मूथ फाइल इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो केंद्र पंच का सम्मिलित कोण क्या है तो सेंट्रल पंच का जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन काउंटर सिंकिंग क्या है काउंटर सिंकिंग किया जाता है क्या बोल रहा है काउंटर काउंटर सिंकिंग सिंकिंग क्यों करते हैं डन यहां पे बोल रहा सही आकार में छिद्र को बढ़ाने के लिए screw, समायोजित करने के लिए या फिर काउंटर संक स्क्रू को समायोजित करने के लिए तो क्या होगा राइट right आंसर क्या राइट आंसर यहां पे निकल के आएगा गाइस काउंटर सिंक हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए या सॉकेट सी स्क्रू को समायोजित करने के लिए क्या होगा यहां पे यदि 41 की हम लोग बात करें किसकी बात करें 41 की बात करें बहुत बढ़िया भाई क्या निकल के आ रहा है यहां पे डी ऑप्शन इज करेक्ट काउंटर सिंक हेड स्क्रू को स्थान प्रदान करने के लिए जबकि हमारी जो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है वो सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करता है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है छिद्र 30 प्लस जीरो और सॉफ्ट 30 माइनस जीरो यहां पे देखो आप लोगों को न्यूनतम क्लियरेंस पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मिनिमम क्लियरेंस पूछ रहा है क्या पूछ रहा है गाइस मिनिमम क्लियरेंस पूछ रहा है तो हमारा मिनिमम क्लियरेंस किस कंडीशन में होता है मिनिमम क्लियरेंस की यदि हम लोग बात करें मिनिमम क्लियरेंस क्या लेंगे हॉल का न्यूनतम साइज और सॉफ्ट का मैक्सिमम साइज तो हमारा यहां पे देखेंगे छिद्र का मिनिमम साइज यदि आप लोग देखोगे तो जीरो जीरो पे दिया है लोअर डेविएशन और यहां पे हमारा मिनिमम डेविएशन क्या है जीरो पॉइंट वन वन जीरो डायरेक्टली हमारा वही हो जाएगा सिंपली दिमाग लगाओ तो आप लोग बाकी यहां पे आप लोग सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो वहां पे क्या करोगे हॉल का मिनिमम साइज और सॉफ्ट का मैक्सिमम साइज तो यहां पर आप लोग देखोगे हॉल का मिनिमम साइज तो हमारा तीस ही mm मिलीमीटर है और बाकी सॉफ्ट का मिनिमम साइज जो आएगा वो हमारा क्या आएगा तो का मिनिमम यहां से जब हम लोग माइनस कर देंगे वो आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या देख रहे हैं यहां से डेविएशन को ही देख लेते हैं तो यहां पे ये यह आप लोगों का डेविएशन दिखाई दे रहा है तो डायरेक्टली आप निकाल दोगे तो क्या निकल के आ रहा है डी ऑप्शन निकल के आ रहा है समझ रहे हो ना किसी को एनी डाउट यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये तो कई बार हम लोग क्लियर कर चुके हैं यहां पे किसी को कोई भी इशू तो नहीं आ रहा है निकालने में क्या हो रहा है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर है ना भाई चलिए आगे चलते हैं फोर्टी थ्री को देखिए अब आधार बीमा के एक पार्श पर सहिस्ता दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहा जाता है यानी कि वेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड यानी कि जो हमारी बेसिक डायमेंशन है उसके वन साइड पर क्या एक ही साइड पर हम लोग क्या दे रहे हैं टॉलरेंस दे रहे हैं वहां पर आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार का टॉलरेंस है यूनिलेटरल टॉलरेंस है बाइलेटरल टॉलरेंस है क्योंकि हमारा टू टाइप का टॉलरेंस है यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस तो यहां पे जब हम लोग बेसिक साइज के बेसिक डायमेंशन के वन साइड में छूट दे रहे हैं वहां पर क्या होगा भाई यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होगा यूनिटलेटरल टॉलरेंस यानी कि एक तरफा टॉलरेंस समझ में आ रहा है बाकी यहां पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पूछता है मान के चलिए यहां पे वो ट्वेंटी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव दे रहा है ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा ये किसके अंतर्गत आएगा फर्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन उसने दिया सेकंड ऑप्शन दिया ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो और माइनस जीरो पॉइंट वन तीसरे ऑप्शन उसने क्या दिया 20 प्लस 0.03 और प्लस 0.02 यहां पे तीसरा ऑप्शन किसके अंतर्गत आएगा बताइए भाई कौन सा यूनिलेटरल है कौन सा बायलैटरल है यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन है मान के चलिए आपके पास में तो इसमें आप लोग देखोगे फर्स्ट में ये कौन सा है यूनिलेटरल या बायलैटरल फर्स्ट वाला बहुत बढ़िया फर्स्ट वाला क्या है बायलैटरल बिकॉज़ बेसिक साइज के दोनों तरफ हम लोग छूट दे रहे हैं बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट दे रहे हैं लेकिन सेकेंड और थर्ड कौन सा है क्या बताओगे आप लोग सेकेंड और थर्ड कौन सा है सेकेंड बायलेटरल कौन दे रहा है भाई सेकंड ये जीरो जीरो है प्लस में जीरो जीरो है ना सेकंड बायलेटरल कौन दे रहा है फर्स्ट ओनली बायलेटरल है बाकी सेकेंड थर्ड यूनिलेटरल है वो क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को प्लस प्लस में दोनों दे दिया समझ लो तो हम लोग बेसिक साइज के छूट तो एक्चुअल एक mm, यहां पे सेकंड और थर्ड दोनों क्या है दोनों हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है जबकि फर्स्ट वाला हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना गाइस इस इलेक्ट्रीशियन का तो आपका अस्मिता मैम लेती है निशांत अभी उनका कोर्सेस कंप्लीट ही होने वाला है देन आप लोगों का जो है वो ट्राई करेंगे कि यूट्यूब पर आए उनकी पूरी सीरीज की सीरीज पड़ी हुई है तो आप लोग वहां से भी जाके जो है कवर कर सकते हो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रीशियन का भी तो कोई इश्यू की बात नहीं है यहां पे क्या होगा भाई यहां पे तो आप लोगों का क्लियर है यूनिलेटरल टॉलरेंस है अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अच्छी तरह काटने के लिए सान चक्र की दुरुस्तीकरण को क्या कहा जाता है रिकंडीशनिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील फॉर इट कट बेटर इज नाउ एज ड्रेसिंग लोडिंग ट्रूइंग या ग्लेजिंग क्या होगा भाई क्या होगा ओके okay, बिल्कुल क्या निकल क्या रहा है यहां से तो आप लोगों को क्या पता है रिकंडीशनिंग ग्राइंडिंग व्हील की रिकंडीशनिंग क्या कहला क्या कहलाती है रिकंडीशनिंग बोले या री शार्पनिंग बोले उसको हम लोग ड्रेशिंग बोलते हैं क्लियर है ना जैसे हम लोग कटिंग टूल को रिसार्प करते हैं वैसे ग्राइंडिंग व्हील को भी रिसार्प करेंगे क्योंकि वहां पर लोडिंग एवं ग्लेजिंग डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से उसके एब्रेसिव का प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी ड्रेशिंग करते हैं हम लोग यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर वाले एब्रेसिव को एक टूल के माध्यम से निकाल देते हैं वो ड्रेसिंग कहलाता है तो उसकी वो हमारी क्या होती है रिकंडीशनिंग होती है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो माइक्रोमीटर में रेचिड स्टॉप सहायता देता है रेचिड स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प टू कंट्रोल द प्रेशर लॉक द स्पिंडल एडजस्ट जीरो एरर या फिर वर्कपीस रोकने के लिए होल्ड द वर्कपीस क्या होगा राइट आंसर गाइस क्या राइट right आंसर आप लोगों का निकल के आएगा 45 नंबर का बताइए 45 का 45 का फटाफट से बताइए क्या करता है कंट्रोल द प्रेशर क्या करता है गाइस प्रेशर को कंट्रोल करता है यूनिफॉर्म प्रेशर बनाए रखता है कि जैसे ही हमारा प्रेशर कंप्लीट हुआ तो टर टर की आवाज करने लगता है 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 ना बटरस थ्रेड क्या हो जाती स्लिप मार जाती है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहां पर अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पर बोल रहा है कि एक माइक्रोमीटर को जीरो पॉइंट जीरो फोर एम एम का निगेटिव त्रुटि है जब यह माइक्रोमीटर 50.53 ये यह पॉइंट है 50.53 फाइव mm थ्री का माप दिखाता है तो सही पाठ्यांक क्या होगा करेक्ट रीडिंग क्या होगी यहां पे देख सकते हो इंग्लिश माइक्रोमीटर हैज नेगेटिव एरर ऑफ 0.04 मिलीमीटर व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 50.53 पॉइंट क्या निकल रहा है तो मैंने क्या बताया करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को क्या करते हैं गाइस प्लस करते हैं ना हम लोग तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, को प्लस करेंगे. तो वहां पे जैसे ही प्लस करेंगे, हमारा जाता है. क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना अगले क्वेश्चन को देखते हैं यदि एक पुली तंत्र का यांत्रिक लाभ चौबीस है और वेग वॉलिटी आपकी थर्टी है तो यंत्र की दक्षता क्या होगी मैकेनिकल एडवांटेज दिया गया है बॉलिसिटी रेशो दिया गया है आप लोगों को इफिशियंशी को फाइंड आउट करना है क्या करना है भाई इफिशियंशी को फाइंड आउट करना है तो क्या निकलेगी इफिशियंशी यहां पे क्या इफिशियंसी आप लोगों की निकलेगी एट्टी सेवन या फिर 1.25 तो इफिशियंशी इक्वल टू क्या होता है यदि आप लोग देखें एडवांटेज वॉलिसिटी रेशो दोनों का जो होता है रेशो, का क्या कहलाता है? कहलाता है. तो 24 है, रेशो 30 है क्या 0.8 निकल के आ रहा है क्या निकल के आ रहा है 0.8 निकल के आ रहा है, कैसे दे रहे है आप लोग क्या दिक्कत है मुझसे मिस्टेक हो रहा है या आपसे मिस्टेक हो रहा है ए हंड्रेड परसेंट कब होता है यदि वो परसेंटेज बोल देता है यहां पे दक्षता परसेंटेज में बोलता तो 80 परसेंट हो जाता वैल्यू में बोल रहा है तो 0.8 होगा वैल्यू में बोल रहा है तो 0.8 होगा क्या होगा वैल्यू में क्योंकि यहां पे देखो ऑप्शन में परसेंटेज नहीं है इसीलिए हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा 0.80 की ओर यदि वो यहां पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता तो यहां पर आप लोगों का ए ऑप्शन हो जाता है ना दोनों कंडीशन बता दिए हमें चलिए भाई आगे चलते हैं

अगला क्वेश्चन हेक्सा ब्लेड में दांत विन्यास है यानी कि सेटिंग ऑफ टीथ इन हेक्सा ब्लेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है भाई हेक्सा ब्लेड के टीथ सेटिंग के बारे में बात कर रहा है कि टीथ सेटिंग क्या है क्या होगा भाई हत्ती में बिठाने के लिए फॉर फिक्सिंग ऑन द हैंडल या फिर यहां पे बोल रहा है कि दांत ब्लेड और टुकड़े के बीच घर्षण दूर करने के लिए टू अवॉइड फ्रक्शन बिटवीन टीथ ब्लेड एंड वर्कपीस क्या होगा राइट right आंसर तो हम लोग सेटिंग क्यों करते हैं टीथ सेटिंग क्यों करते हैं ताकि हमारी जो ब्लेड है वो ग्रुप में फंसे ना और जब फंसेगी नहीं तो क्या होगा भाई फ्रक्शन नहीं होगा समझ रहे हो फंसेगी नहीं तो क्या फ्रक्शन नहीं होगा इसीलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा कि दांत ब्लेड और टुकड़े के बीच में घर्षण दूर करने के लिए टू अवॉइड फ्रक्शन बिटवीन टीथ ब्लेड एंड वर्क पीस इज द राइट आंसर यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा तो यहां पे क्या हम बी ऑप्शन को लगा सकते हैं जी सर बिल्कुल लगा दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला क्वेश्चन है द चीजल यूज टू कट की कैप चीजल फ्लैट चीजल राउंड नोज चीजल डायमंड पॉइंट चीज तो क्या होगा कैप चीजल इज द राइट आंसर कैप चीजल इज द राइट आंसर चलिए भाई अब थोड़ा सा हम इसको सबमिट करके अपनी रैंक देख लेते हैं क्या कुछ रैंक आ रही है कितने कैंडिडेट में हमारे कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए हम ये भी तो देख लें टेस्ट सीरीज में अभी हमने कुछ का आंसर नहीं दिया है जैसे कि हमने 18 का आंसर नहीं दिया है तो रेस्ट कट फाइल का प्रयोग यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं 38 का सिंगल कट रेती सॉफ्ट मेटल यहाँ पे सबमिट कर देते हैं 47 में 0.8 पर सबमिट कर देते हैं एंड 50 में हम लोग सबमिट कर देते हैं कैप चीजल पर राइट right? अब हम लोग टेस्ट को सबमिट करते हैं गाइस मिनट रिमेनिंग बचा हुआ है है पे ऊपर टाइमिंग आप लोगों का चलता है। कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है जो बी की टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड कराई है यहाँ पे पूरा आप लोगों को देखेगा आंसर नॉट आंसर्ड नॉट विजिटेड कितने आप लोगों ने रिव्यू में रखे हैं क्वेश्चन अब हम लोग इसको फाइनल सबमिट करते हैं फाइनल सबमिट करके देखते हैं कि अपना क्या रिजल्ट रहा क्या कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट रहे तो देखो यहां पे पूरा डिटेल्स आप लोगों का आ गया है जैसे ही आप सबमिट करोगे कि टोटल टाइम कितना लिया एक घंटा इक्कीस मिनट का टाइम था टोटल क्वेश्चन कितने थे 50 क्वेश्चन थे जिसमें से कितने अटेम्प्ट किए हमने 50 अटेम्प्ट किए कितने क्वेश्चन को स्किप किया है कोई भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं किया है अभी हम लोगों से पूछ रहा है क्या आप लोग सबमिट करना चाहते हो एग्जैक्टली exactly हम चाहते हैं कि इसको सबमिट करें सबमिट करते हैं अभी आपका स्कोर वगैरह यहां पे सारा कुछ शो कर जाएगा क्या स्कोर रहा अपना तो यहां पे देखोगे 432 लोगों में से 14 वी रैंक है यानी कि अभी भी हम दो अब सभी लोगों ने अपन ने डिस्कस किया उसमें से भी यहां पे देखोगे कि भैया तेरह लोग आगे रह गए तो कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया अपना ऐसा तेरह लोग आगे हैं तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट हो गए परसेंटेज बेस्ड नाइनटी सिक्स परसेंट आया इनकरेक्ट क्वेश्चन चार और चार क्वेश्चन इनकरेक्ट दिखा रहा है अब अपन रिव्यू कर लेते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है अपना है ना तो ये तो अपने सही है तो इनकरेक्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अगेन कि कहा अपना दिक्कत हुआ है ये चार क्वेश्चन या फिर आंसर की में मिस्टेक है कहा दिक्कत हो रहा है चलिए अपन एक बार मेलाप कर लेते हैं सभी का वही नाइनटी सिक्स परसेंट आ रहा है अपना देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि वह जिग जिसमें बेस नहीं है द जिग इन विच देयर इज नो बेस तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन अपन इनकरेक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहां पे चैनल जिग और प्लेट जिग दोनों ही हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ में एडिट करना पड़ेगा मुझे राइट चलिए आगे देख लेते हैं और कौन सा इनकरेक्ट दिखा रहा है एक क्वेश्चन तो चलो हमारा मिस्टेक नहीं है वो नेक्स्ट यहां पे है कि फर्म का चयन निर्भर करता है द सिलेक्शन ऑफ द फर्म डिपेंड्स यहां पे गाइस आप लोग बताइए थर्टी फोर का आंसर थर्टी फोर का आंसर क्या होगा यहां पे बताइए हमने लगाया उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर दिखा रहा है पाइप के बाहरी व्यास से फ्रॉम द आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप क्या होगा राइट right आंसर क्या ये आंसर की करेक्ट बता रही है या फिर आप लोगों ने करेक्ट बताया बताइए भाई क्या बात है आंसर की करेक्ट बता रही है कि आप लोगों ने करेक्ट बताया फटाफट से बताइए क्या निकल के आ रहा है फर्म का चेन निर्भर करता है ए ऑप्शन होगा जो आंसर की मैं दे रहा है वो बिल्कुल चलिए भाई बाकी यहां पे देखो यहां पे भी हम लोगों ने 35 में जो अटके थे यही होगा 35 में अटके थे ग्रैंड साइज के लिए तो यहां पे पर स्क्वायर इंच एक्चुअल में जो आंसर की लिया गया है वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर में आए हुए हैं और उसकी जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड आंसर लगे हुए हैं तो यहां पर भी पर स्क्वायर इंच की तरफ जाना चाहिए था बाकी कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है तो ये हमारे इनकरेक्ट हो गए चलिए कोई इशु की बात नहीं है क्लियर हो गए लेकिन चलेगा गाइस ये सही है बिल्कुल बिल्कुल आंसर तो दिख रहा है ना सबमिट कर दिए चलिए आशा करते हैं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जो भी रहा थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फिफ्टी में से बयालीस राइट बहुत बढ़िया भाई ओके दिनेश कुमार संडे फ्री टेस्ट का देखो संडे फ्री टेस्ट का देखो दो चीजें होती हैं एक तो क्या है वो फिर आप लोग एग्री नहीं करते इसलिए नहीं कर पाता हूं मैं देखो वहां पे दिक्कत क्या है मैं फ्री टेस्ट इजीली रख दूं कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोग बोल रहे हो तो संडे फ्री टेस्ट रख सकते हैं ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब संडे फ्री टेस्ट वहां पे एप्लीकेशन में मैं रखूं जैसे कि आप लोगों के संडे फ्री टेस्ट में लू तो वहां पे क्या है यदि मैं उनको लाइव टेस्ट रखूंगा जैसे कि आप लोगों का लाइव टेस्ट होता है तो वहां पे क्या है जो एप्लीकेशन हम लोग बनवाते हैं वहां पे चार्जेस होते हैं सिक्स या सेवन कुछ लगता है पर कैंडिडेट जब वन थाउजेंड हैं उसके बाद में जैसे 1000 हजार स्टूडेंट टेस्ट दे लेंगे 1000 तक फ्री रहता है हमारे प्लान में जो हम लोग प्लान लेते हैं उसके बाद में 6 या 7 पर कैंडिडेट के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है तो भाई वो वर्णन तो मेरे ऊपर आएगा या वो छह या सात रुपए आप लोग खुद ही पे कर सकते एप्लीकेशन मेरा कुछ नहीं रहता है उसमें इस बात से बिलीव दीजिए या फिर आप लोगों का ऑफलाइन जैसे टेस्ट सीरीज है वैसा टेस्ट प्रोवाइड करा सकता हूं लगभग तीन चार टेस्ट तो उसमें आप लोगों का कोई चार्जेस नहीं रहता वो क्विज फॉर्मेट रहता है एक्चुअल लेकिन वहां पे क्या पूरा रिजल्ट वगैरह उस टाइप से जनरेट नहीं होता है।, चिटिंग हो जाती है जैसे जिसने पहले सबमिट कर दिया आंसर की शो कर जाती है तो वो चीज है यदि आप लोग एग्री करोगे या सिक्स या सेवन रुपीज पे करने को तो वो मैं कर सकता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं या फिर उसको देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकालेंगे या उसी में आपका क्विज फॉर्मेट में डालेंगे ओके चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर कल की क्लास में सिक्स या सेवन रुपीज आप लोग दे सकते हो उससे ज्यादा नहीं मांगूंगा आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा भैया चार्जेस मेरा लग रहा है समझ रहे हो यदि रुपीज आप दे सकते हो पर टेस्ट का यानी एक संडे का जो है तो फिर मजा आएगा देखो लाइव टेस्ट रहेगा तो उसमें मजा अलग है क्विज में क्या वो तो एक डला हुआ है उसको आपने दे दिया सबमिट कर दिए तो वो मजा नहीं आएगा यही है फिर कंट्रोवर्सी हो सकती है ना बात ये अभी फिर आप लोग बोलने लगते हो कुछ कुछ चलिए थैंक यू सो मच देखते हैं जैसा भी विचार बनाते हैं ओके सात बजे ही क्लास रहा करेगी अपनी अभी थोड़ा सा ओनली सैटरडे तक